कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बुरी तरीके से देखते हैं लड़कियों को। सो और ये लड़कों का एक स्टाइल है आजकल, नया लड़का का जो बाइक को ऐसे घुमाना, ये सब स्टाइल मारना, ये सब वो लोग पूरा कट मारता है लड़कियों को देख के, खास कर कट मारते हैं वो लोग को, ये सब नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि कभी महिलाओं को अबला नहीं कहना चाहिए, इससे उनका अपमान होता है। ये बातें आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 8 मार्च को महिला दिवस आने वाला है। महिला दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या वजह है, आज इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ देश की बेटियां मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जो महिला दिवस बनाने के पीछे की वजह क्या है। क्या नाम है आपका? श्वेता। यहाँ JDU ओमेंस कॉलेज में पढ़ते हैं आप, कौन से क्लास में? ग्रेजुएशन। ऑनर्स? इंग्लिश। इंग्लिश ऑनर्स से पढ़ते हैं। महिला दिवस आने वाला है 8 मार्च को, जी। क्या लगता है अभी बेटियां सुरक्षित है, आप लोग आज़ादी है जैसा आज़ादी मिलना चाहिए आप लोगों को, आखिर महिला दिवस मनाने के मनाते हम क्यों, क्योंकि महिलाओं का दिन तो हर दिन होता है, फिर 8 मार्च को ही महिला दिवस को मनाते हम? देखिए जहाँ तक आज़ादी की बात है, पूरी तरह से प्रेफरेंस तो नहीं मिलता है लड़कियों को, बहुत चीज़ में अभी बाउंड्रीज है, लेकिन एक जो हम लोग महिलाओं के प्रति जो हम लोग का सम्मान है, उस चीज़ को, हर चीज़ को दिखाने के लिए हम महिला दिवस मनाते हैं। आपको लगता है 8 मार्च को महिलाएं का दर्जा है ऊपर हो जाता है, लेकिन ये नहीं लगता जो महिलाओं का दिन हर दिन होना चाहिए, हर दिन उन लड़कों को, लड़कियों का उसी सम्मान से देखना चाहिए जिस दिन हम और दिन देखते हैं, 8 मार्च को ही ऐसा क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि महिलाओं का दिन तो हर दिन होता है, तो फिर आपको कहाँ लगता है क्या दिक्कत है? अभी भी लड़का हम देखते हैं बिहार में दुष्कर्म की घटना, गैंगरेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है मैम? जब महिलाओं की बात की जा रही है तो फिर महिला सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षित महिलाएं रहती हैं, लेकिन हम लोग का ये मोटो भी है कि हम लोग लड़कों को भी उतना एजुकेशन दें, उतना उनको सिखाएं, बचपन से ही सिखाएं कि हम लोग को लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जैसे उनकी माँ उनकी बहनें हैं बाकी भी वैसे ही होती हैं, और यही चीज़ है जिसके बारे में मैं अभी बोलना चाहूँगी, और ये नॉलेज हर जगह अवेयर करनी चाहिए, ना सिर्फ लड़कियों को, जैसे जितनी रिस्पेक्ट लड़की की होनी चाहिए उतनी ही लड़के की भी होती है, और इसी पे यही मैं। जब आप कॉलेज के लिए निकलते हैं तो मम्मी पापा कुछ बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे? उन्हें डर लगा रहता होगा जब हमारी बेटी कॉलेज जा रही है, कहीं कुछ रास्ते में कुछ हो ना जाए, तो एक डर लगा होता, कुछ बोलते होंगे तो बेटी संभल के जाना? जी ऐसा तो कुछ अभी है नहीं मेरे घर से, लेकिन ये है कि मेरे भी दो भाई हैं, दोनों को बहुत अच्छे से एजुकेट किया है, बचपन से ही सिखाया गया है कि किसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गर्ल्स, नारी जाति जो है, मम्मी दादी बहनें सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और बाहर की लड़कियों को भी उतना ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी को भी गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। महिलाएं देश नहीं विदेश के स्तर पर भी काफ़ी नाम कमा रही है, हर फील्ड में है, चाहे बॉर्डर पे हो जाए या फिर IAS हो जाए या IPS हो जाए या फिर वित्त मंत्री देखिए निर्मला सीतारमण जी है, राजनीति में भी है, तो क्या लगता है महिलाओं का मतलब उनको जो दर्जा मिलना चाहिए वो मिल रहा है, वाकई में मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। आप क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख के? मैं तो प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। प्रोफेसर बनना चाहते हैं, चलिए उम्मीद करते हैं आपका सपना जो हो बहुत जल्द पूरा हो। आपका क्या नाम है? लवली सिंह। लवली सिंह, क्या लगता है घर से जब निकलते हैं तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं? अभी भी डर लगता है एक दिन में या दिन में जब निकलते हैं? हम एक बात कर रहे थे जब पटना ओमेंस कॉलेज से बाहर, तो लड़कियाँ कुछ बोल रही थी कि हमको रात को तो नहीं दिन में भी निकलने में डर लगता है, तो ऐसा अभी आपको क्या लगता है सच में? नहीं अभी तो हमारे सिटी में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर गांव की बात की जाए तो गांव में अभी भी ऐसा कुछ है, लड़कियों को दूर दूर तक जाना पड़ता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा ये सब होना चाहिए कि हाँ हम लोग को थोड़ा सतर्क होकर अटेंशन होकर चले। और सिटी का अगर बात की जाए तो रात में यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बुरी तरीके से देखते हैं लड़कियों को। सो और ये लड़कों का एक स्टाइल है आजकल, नया लड़का का जो बाइक को ऐसे घुमाना, ये सब स्टाइल मारना, ये सब वो लोग पूरा कट मारता है लड़कियों को देख के, खास कर कट मारते हैं वो लोग को, ये सब नहीं होना चाहिए, तो उससे दिक्कतें होती है आपको, दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। फिर नीतीश जी से खुश हैं? मतलब नीतीश जी वाकई में वीडियो के लिए काम कर रहे हैं, आपको लगता है नीतीश जी काम कर रहे हैं? अब ये तो अब सब लड़कियाँ बोलेंगी, तब मेरे ख्याल से तो अब उतना है नहीं, लेकिन और भी होना चाहिए, और भी बेहतर होना चाहिए, बेहतर कर सकते हैं। लेकिन नीतीश जी वाकई में बेटियों के लिए काम कर रहे हैं, जो पुलिस के क्षेत्र में हो उनका आरक्षण बढ़ा दिया है, पुलिस में जो जनसंख्या है महिलाओं का बढ़ा दिया है, जॉब जॉब के लिए पोस्ट ज़्यादा किए हैं, और लड़कियों को भी ज़्यादा आरक्षण मिल रहा है,
और लड़की भी आगे बढ़ रही है काफ़ी हद तक। सो नीतीश कुमार जी से मैं तो खुशी हूँ। आप खुश हैं? आप क्या कौन से क्लास में पढ़ते हैं? बी ए सेकेंड ईयर। बी ए सेकेंड ईयर में है। क्या बनना चाहते हैं? कंपटीशन की तैयारी करेंगे आप? नहीं, कंपटीशन की तैयारी नहीं, मुझे कुछ और करनी है, वो अदर है, वो मॉडलिंग करनी है। अच्छा, मॉडलिंग करनी है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप मॉडलिंग में सक्सेसफुल हो और बहुत मुकाम तक आगे जाए। आपका क्या नाम है मैम? शिल्पी। शिल्पी, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? बी ए सेकेंड ईयर। बी ए सेकेंड ईयर। 8 मार्च को महिला दिवस, सिर्फ 8 मार्च को ही क्यों? लगता नहीं है जो महिलाओं का दिन हर दिन होना चाहिए, हर दिन महिलाएं रोड पर सुरक्षित महसूस करें, जब भी घर से निकले तो अपने आप को बोले नहीं आज मेरे लिए नॉर्मल डे है, ये सोच करने जाए नहीं आज कुछ हो जाएगा, ऐसा तो कुछ आपको सोच में आता है आपके दिमाग जब आप घर से निकलते हैं तो? नहीं, मेरे हिसाब से हर दिन महिला दिवस होना चाहिए। ऐसा कोई खास दिन अगर है तो वो स्पेशल तरीके से अगर मना सकते हैं तो वो लोग के लिए रिस्पेक्ट की बात होती है, लेकिन वैसे हर दिन ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। नीतीश जी से खुश हैं? वाकई में काम कर रहे हैं बिहार सरकार लड़कियों के मामले में? जी, वो उन लोग का तो मतलब है अपने स्तर पर जैसे वो काम कर सकते हैं, लेकिन जो होता है लोगों के अपने मन में कि वो अपने हिसाब से भी अच्छे से रहें। आपका जो सपना वो यहाँ बिहार में रह कर ही पूरा हो जाएगा? हाँ, लगता है ऐसा। लगता है ऐसा, जरूरी हो जाएगा यहाँ पे बिहार से, पूरा कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए, उम्मीद है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से महिला दिवस के दिन? क्या कहना चाहते हैं सरकार? यही कि लोग तो अपना सब सेफ्टी से निकले ही और लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए अच्छे से। चलिए, ठीक है, शुक्रिया रहेगा बात करने के लिए इन लड़कियों का, देश की बेटियों का। महिला दिवस आने वाला है, इन लोगों की राय इसलिए भी जानना जरूरी था क्योंकि लड़कियां क्या सोचती है वो सिर्फ ग्राउंड पे जाकर ही पूरा हो सकता है। बातचीत बढ़िया रहा, लड़कियों ने सराहा बिहार सरकार को जो वाकई में बिहार सरकार ने काम किया है। मेरा नाम वरुण झा है, कैमरे के पीछे प्रत्युष कुमार सिंह है, आप जनता जनसंघ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।